जी, बुआ जी। खिचड़ी पकाने गई थी? नहीं नहीं, वो अब मेरा काम नहीं है। क्या? शैम्पू दो। नाश्ता तैयार है। या तू का टेंशन ले रही है, तू बैठना। अरे नहीं, तेरी बुआ बैठेंगी यहाँ। अच्छा अच्छा। ओ ये तो बाहर का है, इसे का टेस्ट कर रहे हो? भूख लगी यार, खिले खा रहे हैं। हराम फूफा। आराम से आराम से। नहीं जी जी, बैठेंगी। अब यहाँ बैठी। जी जी कहाँ रह गई? अभी तक नहा कर नहीं निकली का? क्या सासू माँ, मजे ले रही हो फूफा का? भैया फूफा जी कहाँ तू? अरे कहाँ चला का? का खेल रहे हो का फूफा से तुम लोग? अरे का जान निकाल लोगी? क्या हुआ? अरे बुआ, कौन सी पार्लर से बाल स्ट्रेटनिंग करवाई? बट कमाल का किया। चुप, हटो हटो। क्या किया, क्या किया तूने मेरे साथ, क्या किया? बुआ जी, नहाने तो आप गई थी, डांट इनको क्यों रही? क्योंकि इसी ने मुझे शैम्पू की बोतल दी थी, जिसे लगा के मेरे बाल ऐसे आसमान छू रहे हैं। ई बोतल तो परी भाभी की है ना? अरे नहीं नहीं, परी तो पढ़ी लिखी और समझदार बहू है। ये लाली लिपस्टिक वाली ने ही मुझे दी थी। तूने दी थी ना ये बोतल? माँ जी, वो बोतल में शैम्पू खत्म हो गई थी तो मैंने घर पे ही बना दिया। ये कोई ब्रेड पकौड़ा है जो घर पे बना दिया? माँ जी, ये तो ब्रेड पकौड़े से भी आसान है। इसमें क्या क्या पड़ता है, बोतल के पीछे सब कुछ लिखा हुआ था, बस वही पढ़ के बना दिया। लेकिन समझ नहीं आ रहा, मैंने तो सब सही डाला था, जैतून, बादाम का तेल, आंवला, फिर गड़बड़ कहाँ हुई? नंदोई जी, नंदोई जी, बोलिए क्या चाहिए? सब सामान बैग में है, कीमत मात्र 11 रुपए। नंदोई जी, आप ना अपना सेल्समैन का सामान यू किचन में छोड़कर मत जाइए। ये देखिए, गोंद की बोतल। आपने क्या किया, आंवले के रस की बोतल बाहर ले गए और ये गोंद की बोतल वही छोड़ दी। थोड़ा तो समझिए नंदोई जी, खाना बनाते समय अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती तो। ये क्या है? अच्छा है ना? ये तो गड़बड़ हो गई। बुआ जी ने गोंद के शैम्पू से बाल धो लिए। माँ जी, वो रसोई में आंवले की बोतल की जगह गोंद की बोतल रख दी थी और मैंने गलती से वही शैम्पू की बोतल में डाल दी। कुर्ती 5 बहू है तूने पाई है और वो भी कम बाल की। ये शैम्पू में गोंद डालने से पहले मेरे खाने में जहर क्यों नहीं डाल दिया? नहीं नहीं, खाने में नमक कम ज्यादा नहीं डालती, जहर क्यों डालूंगी? बुआ जी, खाना बनाने में तो मैं एकदम उत्तम हूँ। क्या, तुम क्यों खाना बनाओगी? खाना तो ये बनाती है। मैं हूँ खाना बनाने वाली, मैं हूँ। पर पंचीरी, तुम्हें घर पे एक्सपेरिमेंट करने की क्या जरूरत थी? अब वही तो, अभी तो बाल खड़े हुए हैं, उड़ जाते तो। अरे इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या पागल है जो फैक्ट्रियां खोल के बैठी हैं ये सब बनाने के लिए? माँ जी सॉरी, बुआ जी सॉरी, एक सेल्फी हो जाए। चुप। क्या सॉरी? तुम्हें पता है कल शाम की मेरी ट्रेन है वैष्णव देवी जाने के लिए। अब 20 लोगों के संघ के साथ मैं वैष्णव देवी जा रही हूँ माता के दर्शन के लिए। अब कैसे दर्शन करूंगी? हाँ, जय माता दी, जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी। वैसे बुआ जी, बाउंस बड़ा नेचुरल लग रहा है। माता रानी की टेंशन मत लीजिए, वो तो गंजों को भी आशीर्वाद देती है। बस मन सच्चा होना चाहिए। हाँ तो नंदोई बेटा, गणित का एक नया प्रश्न सुनो। अगर दो बहने कुंती कुंती
क्या किया तूने मेरे साथ? जी जी, गर्म पानी लेकर आ। कीमत मात्र 11 रुपए। वैष्णो देवी की ट्रेन पकड़ने से पहले 2 दिन हमारे साथ बिता लेंगे, यही सोच कर आए थे बुआ फूफा। पर इनका हमारे घर में क्या स्वागत हुआ है? बुआ का तो ठीक है, फूफा कहीं मेरठ घूमने चक्कर में ज्यादा दूर न निकल लें। हे भोले, तेरी ही दी हुई बहुएं आपस में जिद पकड़ के बैठी एक दूसरे का गुण अपनाने की। बस नजर रखना, अब कोई नया ड्रामा ना हो। 2 दिन रह गए, शांति से कट जाए बस। माँ जी, चौका जीरे का लगाऊं या राई का? मैया, जाके एक बार चेक कर लो, चौका तेल में लग रहा है ना, मिट्टी के तेल में तो नहीं? ए? सुन, मैं आई। कढ़ाई में घी गरम करे, किया गेहूं का आटा भून ले। हाँ, हो गया। अब इसका नीचे उतारे, अब इसे ठंडा करे। बेटा, तुमने बाहर देखा ना, दूसरे का गुण सीखने के चक्कर में पंजीरी ने क्या किया, जीजी के बाल खंभे जैसे खड़े कर दिए। मेरी मानो तो तुम ये खाना बनाने की तकलीफ रहने ही दो, हम बाहर से मंगा लेते हैं। नहीं नहीं माँ जी, नहीं नहीं माँ जी, बाहर से क्यों मंगवाएंगे? मेरा खाना तैयार होने ही वाला है और पंजीरी रोज जितना खाना बनाती है उसे एक डिश ज्यादा बना रही हूँ। बेटा, इतनी चीजें बना के क्यों रिस्क बढ़ा रही हो? ज्यादा बिगाड़ने से तो अच्छा है कि एक ही चीज अच्छी बना लो। माँ जी, आपको मेरे खाना बनाने पर भरोसा नहीं है? लेकिन सासू माँ, मेरी पढ़ाई लिखाई पर तो है ना। ये देखिए, मैं रेसिपी बुक में से देख देख कर ही बना रही हूँ। माँ जी, चख के बताइए ना कैसे बनाए प्लीज। चलो, काम चलाने लायक तो बना ही दिया। अच्छा है ना? हाँ, देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। सुनो, मीठे में कुछ बना रही हो? नहीं तो कन्हैया से कहो बाजार से ले आएगा। माँ जी, जब एक गुण अपनाने की ठानी लिए तो फिर काम चोरी किस बात की? पंजीरी मीठा घर पर बनाती है ना, तो घर पर मीठा बनाऊंगी मैं। आज तो मेरठ में सबको गुजरात का स्पेशल गोल पापड़ी बनाकर खिलाऊंगी। बेटा, किताब में पढ़कर बनाना। हाँ, अब सोडा डाले। सोडा खाने का या पीने का? खाने का सोडा। फूफा जी, फूफा जी, फूफा जी, क्या आपको पता है? क्या तुम्हें नहीं पता? इनके सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करते, बेहोश हो जाते। धीरे से बोलो, धीरे से। सुनाई दे, इतनी आवाज में बात किया करो। अरे फूफा जी, क्या आपको पता है वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3रे नियम की खोज कब की थी? नहीं पता, 11वीं और 12वीं कक्षा में हमने विज्ञान का विषय ही नहीं लिया था। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। वैज्ञानिक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के 3रे नियम की खोज की थी 2रे नियम के बाद। अच्छा फूफा जी, आप ये बताइए कि वनस्पति विज्ञान में गेंदे के फूल के पत्तों को किस नाम से बुलाते हैं? बताइए बताइए।
नहीं पता, क्योंकि मैं तुम्हारी बुआ को हमेशा गुलाब का फूल देता हूँ। कोई बात नहीं फूफा जी, मैं बताती हूँ। वनस्पति विज्ञान में गेंदे के फूल के ताजे पत्तों को बुलाते हैं ताजा पत्ती, और सूखे पत्तों को बुलाते हैं सूखी पत्ती। वेरी गुड। मानना पड़ेगा, पढ़ी लिखी भी है और मजा क्या भी है, खुद तो पढ़ रही है लेकिन हम बोर ना हो जाए उसका भी ख्याल रख रही है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लमार सेस्टलवे बड़बड़बड़। शिव शिव, क्या कह रही हैं दीदी? आज पता नहीं। बुआ जी, सेल्फी। पंजीरी जी, फूफा के साथ भी सेल्फी ले लीजिए, दो चार फोटो एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। है? जी जी, खाना कैसा लगा? कुंती, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारे यहाँ 5-स्टार होटल जैसा खाना बनता है, इसके सामने बड़े बड़े बावर्ची भी शर्मा जाए, पर ये तो राम भरोसे के ढाबे जैसा भी नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो है? हाँ बेटा, ठीक ही है, कोई खास नहीं है। बुआ जी, आप ये ट्राई कीजिए ना, गुजरात की स्पेशल गोल पापड़ी बनाई है, कह रही हूँ मैं। अरे वाह, रुड़की की बुआ मेरठ में बैठ के गुजरात की गोल पापड़ी खाएगी, कीमत मात्र 11 रुपए। खाइए ना बुआ जी, आपको जरूर पसंद आएगा, जिंदगी भर याद रखेंगी। अरे वाह, गोल पापड़ी मुंह में लेते ही भगवान याद आ गए। आहा, लगता है कुछ ज्यादा ही टेस्टी बना दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे गुड डाला डावर, लगता है ये गोल पापड़ी इनके दांत में फंस गई है। ये गुड़ की पापड़ी बनाई हो पत्थर की सीली, खींच के मार दिया कुसुम का मुंह बाहर आ जाएगा। और खाएंगे? मेरा दांत। 31 तो अंदर है, 32वां बाहर है। लल्ला, गर्म पानी। नहीं नहीं, जीजी को जल्दी से दांतों के डॉक्टर के पास ले चल। ये ओरिजिनल की कीमत मात्र 11 रुपए, लेकिन डुप्लीकेट लगाएंगे तो 11,000 मात्र। अरे खाना तो ठीक बनाया था, ये गोल पापड़ी काहे पत्थर बना दी तुमने? इससे अच्छा तो हम बाहर से मंगा लेते, कम खर्चा होता। अब बुआ जी के दांत चढ़वाने में 10,000 का तो फटका लगेगा भैया को। माँ जी, मैं सब कुछ रेसिपी बुक में से देख देख कर ही बना रही थी, पता नहीं कैसे गड़बड़ हो गई। टेंशन मत लो, दुकान पे हथौड़े के काम आ जाएगी ये गोल पापड़ी, नहीं तो किसी भागते चोर को मारने के काम आ जाएगी ये गोल पापड़ी, कीमत मात्र 11 रुपए। अरे मैंने तो पहले ही कहा था, ये गुनों की अदला बदली मत करो, जिसे जो आता है वही करो, लेकिन मेरी बात तो स्कूल में दिए गए सुविचार की तरह इस कान से सुनी और इस कान से निकाल दी। कोई बात नहीं, अभी बुआ जी के लिए कुछ भी बनाओगी ना तो पहले सासू माँ को टेस्टिंग के लिए खिला देना, जो कुछ भी टूटना फूटना होगा अपने हिसाब से समझ लेंगे। बिल्कुल ठीक कहा दामाद जी, अब से जो भी बनाओगी ना सबसे पहले दामाद जी को देना, उसके बाद ही कोई खाएगा। कहाँ जा रही हो, इतनी सी बात पे फिनाइल की गोली खा लोगी? अरे भगवान के आगे हाथ जोड़ने कि सही सलामत एक दिन और निकल जाए जीजा और जीजी का इस घर में। कोई बात नहीं, बड़े बड़े घरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, दोबारा बनाएंगे। हेलो, हाँ दामाद जी।
दामाद जी पहुंच गए मुंबई। वाह वाह, ध्यान से खेलना और बहुत सारे पैसे जीत के आना। तुम्हारे ससुर का आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, और हमें तो हमारा 12 लाख रुपया भी वापस चाहिए ना, जो उधार दिया है तुमको, छोड़ूंगा नहीं। मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। अरे बेटी दी है हमने, हमारा सब कुछ तुम्हारा ही है ना। एक मिनट, तुम्हारी मम्मी के साथ बात करो। अरे हाँ, कल ही इसका एक दांत टूट गया, आज नया बनवाया, डॉक्टर के पास जाकर। हेलो, हाँ दामाद जी, ऑल द बेस्ट। खेलो खेलो, जीतो जीतो में छप्पर फाड़ के जीतना, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है। आखिरी सवाल तक डटे रहना। हाँ हाँ, देती हूँ। हेलो, हाँ जरा भी घबराना मत, हाँ सोच समझ कर हर सवाल का जवाब देना। आज खुद बैठ के तुम्हारे लिए मन्नत मांगूंगा। अरे बेटी दी है तुम्हें, चलो रखता हूँ फोन। नंदोई बेटा, अब साइंस का एक नया सवाल सुनो। बुआ जी और फूफा जी को रुड़की से मेरठ आने के रास्ते में कितने सिग्नल मिले? सिग्नल तो उनके घर से दाहिने निकलोगे एक सिग्नल है, उसके बाद सीधा हाईवे पे गए सिग्नल है, 100-150 सिग्नल होगा। अरे तीन सिग्नल, तीन, लाल हरा पीला। आप भी ना, बहुत टाइम लगेगा आपको सिखाने में। और मांगो मन्नत। खेलो खेलो, जीतो जीतो में ऐसे समझदार लोगों को जाना चाहिए। हमारा दामाद भी समझदार है, जीत कर ही आएगा। अब दामाद लोग पे भी कमाने का प्रेशर बन रहा है। पर हर दामाद ये प्रेशर लेता नहीं है, कोई कोई दामाद तो प्रेशर कुकर की तरह सीटी मारते, घर में ही घूमते रहते। उड़ तुम माता, हाँ? अब सुबह की मंगल तबेला में, हाँ? बेला में अब भगवान का प्रसाद भक्तिपूर्ण स्वीकार करें। आती हूँ। तुम ही हो पूजा पाठ वाली है? बेटा ज्योत तो जलाओ। सॉरी, क्षमा करे, मैं अभी आई। मैं भी जाता हूँ दामाद जी के लिए प्रार्थना करने के लिए। ये लीजिए, ये लो, पहन लीजिए, ये लीजिए और आराम से प्रार्थना कीजिए। जी जी, दामाद जी का खेलो खेलो जीतो जीतो में सिलेक्शन हो गया, आपने बताया ही नहीं। अब कितने लोगों को बताएं? जितने ज्यादा लोगों को बताओ उतनी टोक लगती है। नहीं तो टोक लगती है। कभी हमारे लिए भी कुछ मांग लिया करो। हाँ, तो तुम भी कुछ काम किया करो, जाओ जाके मिट्टी का तेल लेकर आओ, दुआ किया करो। जय भोलेनाथ। बेटा, अब हम माला का 1162 जाप करेंगे। प्रभु के पास दामाद जी के लिए एकाग्र होकर प्रार्थना करनी है, इसलिए न बीच में रोकना न टोकना, समझ गई? अवश्य। बेटा जरा जोत तो जला दे। सुनिए, सासू माँ ने मिट्टी का तेल मंगवाया था, आप उन्हें दे देना, याद करके, कीमत सिर्फ 11 रुपए। आपको नहीं देने हैं, मैं सासू माँ के गुल्लक से निकाल लूंगा। वो आग वाली चीज थी ना हाथ में, तो ध्यान से रखना पड़ेगा। ये बैठे बैठे सो गए क्या? फूफा जी जाप कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे।